प्लान दिखाना पता है क्या है? प्लान दिखाना है रेपो बिल्ड करना। देखो क्या है प्लान दिखाना, रेपो बिल्ड करना। बिल्डिंग अ रेपो इज हाउ यू प्रेजेंट एनीथिंग। किसी भी चीज की रेपो बिल्ड करना पता है क्या होता है? आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं कोई भी चीज किसी को शेयर करना चाहता हूं तो मैं कैसे करता हूं, ये उसका एक तरीका है। मान लेते हैं प्रशांत जी मेरे दोस्त हैं, मैं इनको शिव जी से मिलवाना चाहता हूँ। एक तरीका ये हो सकता है, शिव जी प्रशांत जी मेरे बहुत अच्छे मित्र, प्रशांत जी शिव जी मेरे बहुत अच्छे मित्र, यही होता है। अब मान लेते हैं कि शिवम जी हैं मेरे प्रोस्पेक्ट और प्रशांत जी मेरे अपलाइन। अब मैं पता क्या बोलूँगा, शिवम जी एक्चुअली जिनके बारे में बता रहा था वो यही है प्रशांत जी। रिसेंटली प्रशांत जी एक ऐसे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं जिसमें इनका 3 कंट्रीज और 10 स्टेट्स के अंदर नेटवर्क है। हमारे जैसे बहुत सारे यूथ को ये ऑनलाइन बिजनेस करना सिखाते हैं और बाय एजुकेशन भी बहुत अच्छी जगह से क्वालिफाइड हैं। इनकी फैमिली फॉरेन के अंदर रहती है और ये यहाँ पे अच्छे एजुकेटेड थे, फिर भी इन्होंने कहा कि क्यों ना एक ऑनलाइन बिजनेस को सीखा जाए, किया जाए। दोनों अप्रोच में कितना फर्क है, ऐसे आप किसी भी चीज को बता सकते हैं। ये एक पानी की बोतल है भाई, ये एक पानी की बोतल है। लेकिन मैं आपको बोलूँ, आपको पता है ये जो पानी की बोतल है ना, इसका ये जो ब्रांड है, ये दुनिया के 3 सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक है। इसकी खास बात क्या है कि ये ना नेचुरल वाटर और मिनरल वाटर देते हैं आपको। ये पानी पीने के बाद में क्या होगा कि आपको गैस वैस बनना तो दूर, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा, फ्रेश फील करोगे आप ये पानी पी करके। दोनों अप्रोचेस में कितना फर्क है, किसी भी चीज को आप कैसे प्रेजेंट करते हो। अच्छा जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मैं कोई मूवी देखने गया, हूं तो मैं रेपो बिल्ड करूंगा। रेपो बिल्ड करने के लिए तरीके क्या है, सिंपल, ये देखो, बी कॉन्फिडेंट एंड स्माइल, बी कॉन्फिडेंट एंड स्माइल। कोई मुश्किल क्या आएगी, कैसे करना है स्माइल, कैसे करना है, आनंद जी कर रहे हैं, वेरी नाइस। और कैसे करना है स्माइल, ऐसे करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, स्माइल करना है। ऐसे नहीं किसी प्लान दिखाना है, अबे यार इसे तो बताया ही नहीं, अबे इसे ESBI तो रहने पता है, अबे CMD रह गया यार। जितना बता रहे हो कोई दिक्कत नहीं, कम में बताओ, अच्छा बताओ, और वही मेरी अगली लाइन है, कम बताओ बढ़िया बताओ, और लेवरेज द थिंग्स यू हैव, शो वट्स इन इट फॉर देम, शो वट यू लाइक एंड कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इसे थोड़ा सा समझते हैं। कई बार हम फंस जाते हैं कि यार प्लान बुक से ही दिखाएंगे या प्रॉपर प्रेजेंटेशन से ही दिखाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी आपके पास में प्रेजेंटेशन ना हो, कोई चीज ना हो, आप डायरी पेन निकालें, डायरी पेन निकालें। आपको लग रहा है सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, अगर मैं उसके सामने प्लान बुक खोलूंगा, वो साथ उसको बताऊंगा कि भाई सपने होते हैं, होता ही नहीं होता। कई बार आपको लगता होगा यार ये नहीं सुनेगा यार, इसके सामने अगर मैंने प्लान बुक खोल दिया यही नेगेटिव हो जाएगा, किस किसी ने फील किया। हाँ अब सिंपल बताता हूँ आपको करना क्या है। वहां पे आपको, वहां पे आपने ओपन किया, आप उसको 3P बताओ, क्या बताना है, 3P क्या होता है, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, तीनों की रेपो बिल्ड करके बताए। तीनों की रेपो बिल्ड कैसे होगी, सबसे पहला क्या है, बिल्डिंग रेपो इज हाउ यू प्रेजेंट एनीथिंग। आप अच्छे से मिले, ओपनिंग अच्छे से हुई, कन्वर्सेशन अच्छी हो गई, ओपनिंग आप प्रोस्पेक्ट में कर दिया उसका, ठीक है। अब मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा और स्माइल रखूंगा और कम बातों को बताऊंगा लेकिन बढ़िया बताऊंगा और लेवरेज करूंगा थिंग्स को जो मेरे पास में। लेवरेज कैसे करते हैं, मैं प्रोफाइल बता रहा हूँ। शिवम मैंने जो आपके साथ में यार शेयर किया था ना ऑनलाइन बिजनेस, एक्चुअली में वो जो बिजनेस है, देखिए किसी भी बिजनेस को अगर हमें करना है तो हम खुद से नहीं कर सकते, नहीं खुद से करेंगे तो 1-2 करोड़ रुपए आज आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो क्या आप 1-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करोगे, नहीं कर सकते, यू आर अ स्टूडेंट। सो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको आज कई डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, वो हमें मौका देती है बिजनेस करने का। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ जिसका नाम है विस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसके पास में 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया प्लस इंटरनेशनल, जिसमें आपके और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्क करते हैं और लोगों को, खुद तो अपनी लाइफ चेंज करते हैं साथ ही साथ लोग भी करते हैं, जिसमें आपको एक ऐसी कंपनी बिजनेस करने का मौका दे रही है जिसके 2500 ऑफिसेज हैं, 450 का प्रोडक्ट्स हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, US से प्रोडक्ट्स आते हैं, इधर इधर से आते हैं। आप जहां भी रहते हैं ऑल ओवर इंडिया में आप बिजनेस कर पाएंगे, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया ट्रेनिंग मिलेगी, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मिलेगा, कितना बढ़िया रहेगा ऐसा बिजनेस करने में। मैंने क्या किया,
लेवरेज किया, ये सब मैंने पेन कॉपी में बताया, लेवरेज किया मेरे पास में जो है, शो व्हाट्स इन इट फॉर देम। सो अब आपको इसमें क्या मिलेगा शिवम जी, इसमें हमारे पास में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, हम हेल्थ कैटेगरीज में डील करते हैं, स्किन केयर में डील करते हैं, इन चीजों में डील करते हैं, और ये सभी प्रोडक्ट्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो आप सबसे पहले तो कहीं ना कहीं से वैसे भी आप पाते होंगे, आप यूज करेंगे आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन शेयर कर पाएंगे, प्रमोट कर पाएंगे, बिकॉज इन एवरी बिजनेस वी हैव टू प्रमोट। हम कोई भी बिजनेस करें, आज आप चाहे कपड़ों का करें, चाहे किसी भी चीज का करें, प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट एक बिजनेस का बैकबोन होती है, अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो हमारा बिजनेस बढ़िया, और यहाँ पे आपको सुपर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। इसके बाद में क्या करूंगा, शो व्हाट्स इन इट फॉर देम, आपको बस सिंपली क्या करना है, इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है, देन मैं आपको सिस्टम से कनेक्ट कराऊंगा, उस सिस्टम में आकर के आप एक दो महीने के अंदर ही काम करना सीख जाएंगे, एंड 15-20,000 रुपीज आप अर्न कर पाएंगे। तो मैंने इसमें क्या बताया इनके लिए इसमें क्या है, और शिवम जी जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मैंने यहाँ पे प्लान देखा था कि मेरे को ऐसे ऐसे इनकम आएगी, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार मैं अगर अपने 4-5 फ्रेंड्स को भी ये करना सिखा दूं तो मैं 30-40,000 रुपीज अर्न कर सकता हूँ। तो मैंने क्या बताया, प्लस इसके साथ साथ यार मैंने देखा कि मैं ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस कर सकता हूँ, ट्रैवलिंग फ्री है, सब कुछ मिलेगा, क्यों ना किया जाए। तो आपको मैंने क्या बताया, मुझे क्या अच्छा लगा इस बिजनेस में आकर के, और मैंने इसको क्या रखा, शॉर्ट एंड। अगर आप इतनी बात उस वीडियो कॉल पे व्हाट्सएप पे भी कर लें, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बोलेगा यार एक काम करते हैं, मिलते हैं और डिटेल में बताना, अब वो अपना प्लान भी सुनेगा अच्छे से। 3P को अपना कई बार ऐसा होता है कि अच्छा ये बताओ क्या क्या है, मैं यूज ही कर लेता हूँ प्रोडक्ट, हो सकता है वो आपको वहीं पे ही ऑर्डर भी कर दे। सिंपल रखो ना, क्यों भाई ये है नोनी ये स्पारलिना, यार मैं अभी गौरव से बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि यार आज इतने प्रोडक्ट्स हो गए हैं ना, कितने बता दोगे उसको प्रेजेंटेशन में, बता दोगे ना सारे, नहीं बता सकते। कीप इट सिंपल, सिंपल रखो चीजों को, जितना सिंपल रखोगे उतनी जल्दी डुप्लीकेट होगा। बस रैपो बिल्ड करना सीखो, रैपो कैसे बिल्ड करते, प्रेजेंट करके, प्रेजेंट कैसे करना, अब इसमें आगे और अच्छे समझा देता हूं। क्लोजिंग, क्लोजिंग क्या है, हेल्प देम क्लोज, पीपल आर अफ्रेड टू टेक एक्शन। लोगों को क्लोजिंग थोड़ी पता है, लोगों को नहीं पता क्लोज कैसे होगा, तो उनकी मदद कौन करेगा। लास्ट में बोलिए, सो एक काम करते हैं शिवम, मैं आपकी ना आईडी क्रिएट कर देता हूँ, उस आईडी पे आप ऐप को लॉग इन करो, उसमें अपने लिए कुछ चीजें देखो, और ये बताओ कि आप किस कैटेगरी से स्टार्ट करना चाहोगे। जैसे हमारे पास ये 10 कैटेगरीज है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके साथ शेयर करो कि आप इनमें से किसी कैटेगरी के साथ शेयर करना स्टार्ट करना चाहोगे। वो या तो हाँ करेगा या ना करेगा, ना करेगा तो मैं क्या बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक यू शुड, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इससे शुरू करना चाहिए, क्योंकि मेरी टीम में आपके जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं से शुरू करते हैं। समझ गए क्या करना, उनको मदद करनी है स्टार्ट करने में, आईडी क्रिएट कराने में और ऑर्डर प्लेस कराने में। और इसमें एक लाइन बोलूंगा, बड़ी अच्छी लाइन है, गाय दूध देती नहीं है, क्लोजिंग होती नहीं है, करानी पड़ती है, याद रखना, गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है, और क्लोजिंग होती नहीं है, करानी पड़ती है। आस्क देम व्हाट शुड बी द राइट वैल्यू फॉर सच बिग बिजनेस, एक सवाल आप उनसे और पूछ सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला हक करेगा या नहीं करेगा, या उसके माइंड में एक डाउट है, या ये बड़ा अच्छा सवाल होता है वैसे ना, ये लोग पूछते नहीं है, पूछना भूल गए, छोड़ देते हैं, पर ये पूछना जरूर चाहिए कि आप उसे मत बताओ कि आप इससे शुरू करो 100 PV 200 PV 300 PV, ये बताने से पहले आप उससे एक सवाल पूछोगे, अच्छा प्रशांत जी मैंने आपको इतना कुछ शेयर किया, आपको क्या लगता है कि यार इतना शानदार बिजनेस, इतनी बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएशन, इतनी बढ़िया टीम के साथ एसोसिएशन, इतनी सारी स्किल्स, इतनी अच्छी इनकम, वैल्यू क्या होनी चाहिए स्टार्ट करने के लिए, क्या प्राइस होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक होनी चाहिए, क्या लगता है आपको कितना होना चाहिए, क्या बोलेंगे, 10-15,000 रुपये। मैं बोलूंगा बिल्कुल प्रशांत जी, पहले ऐसा मेरे को भी लगा था, बट बहुत इजी है, आप अपने लिए कैटेगरी चूज कीजिए, आप उसको यूज कीजिए, आपकी स्टार्टिंग हो गई, आप अपने डेली केयर के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, स्किन केयर के कर सकते हैं, आपकी स्टार्टिंग हो गई। आप सामने वाले के ऊपर अगर छोड़ दोगे ना, अगर अब यहाँ पर हो सकता था प्रशांत जी बोले 1,000 रुपये, मान लेते हैं प्रशांत जी बोल देते 1,000 रुपये होगा, मैं बोलूंगा प्रशांत जी आप एक बात बताएं, 1,000 रुपये में आज की दुनिया में मिलता ही क्या है,
क्या बोलता मैं क्या होता है, 1000 रुपए में आज मिलेगा क्या? आप लेकर के निकले 1000 रुपए, एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाइए, दो लोगों का खाना तक नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रशांत जी को पता क्या लगेगा, मैं एक हाई वैल्यू पर्सन हूँ एंड मेरा बिजनेस एक हाई वैल्यू बिजनेस है। अब प्रशांत जी बोलेंगे नहीं आपकी बात तो सही है, बोलूँगा प्रशांत जी लोग अगर आप एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप 4-5000 से स्टार्ट कर सकते हैं। समझ गए, कर सकते हैं। अच्छा आप ऐसा हर किसी के साथ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यंग एज ग्रुप के साथ, आप ऐसा हर किसी के साथ कर सकते हैं। एवरीबडी गुड, आस्क देम व्हाट शुड बी द राइट वैल्यू, ये हो गया। अगर फिर भी आप चाहें तो फास्ट मीडियम स्लो बता सकते हैं जो आपके अपलाइंस शेयर करते हैं, और जल्दी 48 आवर्स में उनकी मदद करें ज्वाइनिंग करने के लिए। एंड एक सवाल जरूर पूछें, जब आपने मान लो उनकी आईडी बनवा दी ज्वाइन करा दिया तो एक सवाल पूछें कि आर यू सीरियस फॉर द इनकम, मतलब आप सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं ना, सीरियसली बिल्ड करना चाहेंगे? क्योंकि अगर देखिए आप हाँ करेंगे तो हम इसी महीने से सीरियसली काम करेंगे। हमारी गलती क्या होती है, सामने वाले ने ज्वाइन तो कर लिया, अब हम ही दम दे रहे हैं, कर ले काम, कर ले भाई कर ले, उसको दस फोन आपने लिस्ट नहीं बनाई, आपने इनवाइट नहीं किया, आप इससे अच्छा क्या करो, उससे सवाल पूछ लो ना, आर यू सीरियस, मतलब आप सीरियसली बिल्ड करना चाहेंगे इसी महीने से? तो इसी महीने से आप करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो आज की ट्रेनिंग है इसको हम यूट्यूब पर डालेंगे ताकि वो भी ये सीख सके, वो भी सेल्स सीख सके, उसको आप ये वीडियो शेयर करना, वो भी सीख जाएगा। सुन रहे हैं कैमरे वाले भैया जो मेरे को इस ट्रेनिंग को सुनेंगे 2-3 महीने बाद, उनके लिए आज ही रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? सो आर यू सीरियस, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। और क्लोजिंग के अंदर ऑब्वियस सी चीज है, हर जगह आते हैं, क्या आते हैं, ऑब्जेक्शन आते हैं। आज आपको मैं दूंगा ब्रह्मास्त्र, क्या दूंगा भाई साहब, ये जिसने सीख लिया जिंदगी में कभी उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दिक्कत नहीं होगी जिंदगी में। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ब्रह्मास्त्र है सवाल के बदले सवाल, एंड फील फेल्ट फाउंड, सबसे आसान। बोलो लोग क्या बोलते हैं बताओ, आपके सामने खड़ा हो जितने सवाल आते हैं, सर महंगा है, सर नहीं होता, मेरे पड़ोसी ने बोला नहीं होगा, ये सब बोलते, और क्या बोलते हैं बताओ, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और क्या बोलते हैं, कोई सुनेगा नहीं, मेरे साथ कोई ज्वाइन होगा नहीं, मेरे पापा ने किया था 2 साल पहले, उनका हुआ नहीं, ये 5-6 वही घिसे पिटे सवाल। ऐसा लग रहा है कि बस लोग बढ़ते जा रहे, सवाल उतने के उतने ही है। इंडिया की आबादी 140 करोड़ हो गई, सवाल वही घिसे पिटे 5 है। इसमें सबसे अच्छा तरीका है फील फेल्ट फाउंड, किसी के भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका। प्रशांत जी ने मुझे बोला, सर मेरे चाचा ने किया था, उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, मेरा जवाब यहां पे होगा फील, यस यू आर राइट, हाँ प्रशांत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और प्रशांत जी स्माइल के साथ बोला, ये कॉन्फिडेंट स्माइल, प्रशांत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। अब प्रशांत जी 2 मिनट ले चुके, मेरा अगली चीज, आई फेल्ट द सेम, आप मानोगे नहीं मुझे भी सेम पता चला था ये, देन आई फाउंड आउट, लेकिन फिर मुझे पता चला कि यार ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें हर कोई कामयाब हो, कामयाब वो होता है जो काम करता है। अब आपको मैंने एग्जांपल दिया था अपलाइन का, देखो हम तो पैसे कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ, आपके सामने काम कर रहा हूँ, कोई भी इंसान काम तो करता है, पैसे कमा रहा है, तो कर रहा है। अच्छा और ये बताओ चाचा जी क्या करते हैं? अच्छा वैसे बता दो, प्रशांत जी के चाचा जी तो UCD है, ठीक है, तो रियलिटी में UCD है। कितना चेक है प्रशांत जी? 2.5 लाख। तो ये एक एग्जांपल था वैसे, ठीक है। सो मैंने इनके साथ में क्या किया, फील फेल्ट फाउंड, और फिर क्या किया, सवाल के बदले कि वैसे चाचा जी क्या करते हैं, देखो चाचा जी की हो गई उम्र, उन्होंने नहीं देखी चीजें जो आपने देखी है, उन्होंने शायद बस प्रोडक्ट लेकर के छोड़ दिया होगा, उन्होंने बिजनेस माइंड से नहीं किया होगा। और फिर मैं एक और चीज बोलूंगा, डू यू अग्री, मेरे को उनसे क्या बोलूंगा है, यस। तो मैं ये सब बोलूंगा कि बिल्कुल प्रशांत जी आप सही कह रहे हो यार, पता मेरे को भी ऐसा लगता था, मेरे को भी एक बंदा मिला, उसने ऐसे ही बोला था कि यार कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फिर मैंने कहा यार ऐसा तो हर फील्ड में कामयाब लोग भी होते हैं, नाकामयाब लोग भी होते हैं। हाँ अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अच्छी, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे रखा कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपको भी ऐसा ही लगता ना कि यार लूज तो कुछ नहीं हो रहा ना, तो मैंने इनसे क्या किया, हाँ बुलवा लिया। सर ये सब छोड़ो, टेंशन छोड़ो, स्टार्ट करते हैं। एनी ऑब्जेक्शन, पैसे नहीं है, सही बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, मेरे पास भी नहीं थे,
लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, जिंदगी बदलनी है तो पैसों का जुगाड़ तो करना पड़ेगा। और बता भाई, वैसे हमारी जिंदगी में ऐसा क्या हो रहा है जो हमारी जिंदगी में पैसा आएगा? ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए भाई जुगाड़ कर ले। सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? डू यू अग्री और नॉट? सॉरी, कर लेंगे ऑब्जेक्शन हैंडल अब, कोई कुछ भी आ जाए। अरे ये सब ऐसे ही होता है नेटवर्किंग में, पैसा डूब जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बोलते ना पैसा डूब जाता है नेटवर्किंग, बोलो क्या बोलना है? बिल्कुल सही कह रहे हो, डूब जाता है। आई फेल्ट द सेम, मुझे भी ये पता चला था, लेकिन फिर मेरे को पता चला कि भाई पैसा लगने में तो छीन डूबने के लिए। सही कह रहे हो, क्या कर लेंगे ऑब्जेक्शन हैंडल अब? यस मोड में ले आएंगे लोगों को? ले आएंगे? अब भाई कोई बच के जाने ना पाए, ठीक है? यस मोड में लाइए उसको, और यस मोड में लाने के बाद में उसको स्माइल के साथ ज्वाइनिंग करवाइए और उससे एक सवाल पूछिए, व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट? आपको सबसे बेस्ट क्या लगा? और उसके बाद में ये सवाल और भी होते हैं, व्हाट्स द लॉस? ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ही होता है कि जैसे वो मान नहीं रहा तो उससे बोलो, अच्छा ये बता सब छोड़ो, तुझे सबसे अच्छा क्या लगा? बोले प्रोडक्ट लगा, ठीक है बस प्रोडक्ट यूज कर। सही है कि नहीं है? जब वो सब कुछ बोले प्रोडक्ट अच्छा लगा, बस फिर प्रोडक्ट यूज कर। अब बोले यार प्रोडक्ट समझ नहीं आया, बिजनेस बढ़िया है, पता क्या बोलो, आईडी लगा, दो चार प्रोडक्ट यूज कर और मेरे को लिस्ट बढ़ाने वाला तरीका स्टोरी लगा दे। समझ गए? yes, कर सकते हैं। व्हाट इज द लॉस? या स्टोरी लगा ले, तेरा क्या लॉस है? और अब यहाँ पे जो अच्छे लोग हैं उनके साथ आप क्या शेयर कर सकते हैं? मैन आई ज्वाइंट फाउंड लर्न्ड मेट, आपने जो सीखा मिले लोगों से, जो शेयर किया, ये इवेंट अपने इवेंट्स का फोल्डर बनाया, शेयर कर, यार इस इवेंट में गए, यहाँ पे इस पर्सन से मिलना हुआ, ये डॉक्टर थे पता है, इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं साथ में अपने प्रोफेशन में, ये पता है गवर्नमेंट जॉब में थे, ये स्टूडेंट है पता है इतना अच्छा कर रहा है, पता मैं इतनी स्किल सीखा, मैं यहाँ से इतना पर्सनालिटी चेंज हुई, अच्छे अच्छे इवेंट्स, अच्छी कम्युनिटी का पार्ट बनने का मौका मिलता है, यार इतनी शानदार वीडियोस, ये देखो इवेंट की वीडियो कितना मजा आता है, जो दिखता है वो बिकता है। कर सकते हैं लुक दिस, दिखाओ उसे। और फिर लास्ट में एक और चीज बोल सकते हो, आई एम विद यू, लेट्स गेट, मैं आपके साथ में स्टार्ट करता हूं, ठीक है? इसके बाद में बस ये लास्ट है मेरा, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ स्किल, आई वॉज नॉट बॉर्न विद दिस स्किल, नीडर डू एनी वन। मैंने आपको जितनी भी चीजें शेयर करी ना, मैं इसके साथ पैदा नहीं हुआ, मैं इसके साथ पैदा नहीं हुआ, विराट कोहली बैट के साथ पैदा नहीं हुआ, लता मंगेशकर कोई बचपन में एक साल की उम्र से गाना नहीं गा रही थी, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो स्किल्स के साथ पैदा हुआ, सब बनाते हैं स्किल्स। आज आपको लग रहा होगा यार बड़ा अच्छा बोला सर ने, ये किया वो किया, आप भी कर सकते हो, मैंने आपको तरीका बताया। और रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल, अगर आप रिपीटेडली डेली करेंगे ऑटोमेटिकली आप बेस्ट बन जाएंगे। करना क्या है? इंक्रीज द नंबर्स ऑफ अप्रोचेस एंड डिक्रीज द इंपैक्ट ऑफ रिजेक्शन। अपनी अप्रोचेस को बढ़ाते जाएं और जो ना मिलती है ना उसका इफेक्ट अपने माइंड पे अपनी बॉडी पे कम से कम होने दें, कि मतलब एक समय के बाद आपको पता चला यार ना करें कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस है। लेकिन अपने नंबर्स को पॉजिटिव में बदलना है ये सीख कर। लिखी आज ये चीजें, लिख ली, फॉलो करेंगे? yes, फिर भी अगर कहीं दिक्कत आए आप प्लान के साथ बैठे काउंसलिंग करें, शेयर करें। एंड मैसिव एक्शन, एवरेज एक्शन, मैसिव एक्शन करेंगे तो मैसिव रिजल्ट मिलेंगे, एवरेज एक्शन करेंगे तो एवरेज रिजल्ट मिलेंगे। जो चीजें सीखी हैं जितनी ज्यादा करेंगे उतने बड़े रिजल्ट मिलेंगे, जितनी कम करेंगे उतने कम रिजल्ट मिलेंगे। पीपल विल जज यू सो व्हाट, भाई लोग जज करेंगे, जब सेल्स करने जाओगे जज करेंगे तो क्या हो गया? लोग तो ये भी जज करते हैं, तो काला है, तो मोटा है, तो गोरा है, तो ऐसा है, तो वैसा है, तो क्या हो गया भाई? इसने तो ऐसे कपड़े पहने, इसने तो वैसे पहने, पूरी जिंदगी जज करेंगे। ये बताओ ये जो जज करने वाला है, जो आपको नेगेटिव करने वाला है, कोई दोस्त जो आपको बोलता है कि छोड़ दे कुछ नहीं होता, बेकार है, ऐसा है वैसा है, तू कुछ नहीं कर सकता, क्या वो आपके सपने पूरे करेगा? नो। क्या वो देगा आपको गाड़ी खरीदने के लिए पैसा? वो देगा आपको फॉरेन ट्रिप के लिए पैसा? नो। आपकी लड़ाई है भाई, आपको लड़नी है, आपके सपने आपको पूरे करने कोई और नहीं करेगा। अगर आप अपने लिए करेंगे ये ध्यान रखें, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, सिर्फ आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। People cannot take you to a level. You have to level up yourself. मेरी आज की one of the favorite lines में से एक, जिसके साथ मैं खत्म करना चाहूंगा,
कि हमने ये इवेंट किया, हम आपको सिखा रहे हैं, मीटिंग इसके बाद भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, मैं आपको डायमंड नहीं करा सकता, मैं आपको 1,00,000 रुपए का चेक नहीं दिलवा सकता, वो आप ही कर सकते हो, वो चार ज्वाइनिंग आप ही करा सकते हो, क्योंकि अगर यहां हर बैठे इंसान की चार ज्वाइनिंग पे मैं फोकस करूंगा तो मैं क्या कर पाऊंगा, वो सिखा सकता हूं कि मैंने कैसे किया, और वो मैंने आपको सिखाया बेस्ट, जितना मेरे अंदर सक्षम था मैंने उतना किया। ये लड़ाई अब आपकी, आप ही को भाई करना है, आप करेंगे तो आप जीतेंगे, लेकिन क्या आप रेडी हैं वो प्राइस पे करने के लिए? yes. जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है, सांसें चल रही है ये भी फ्री नहीं है, पानी पीना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, तभी शरीर चलता है, छोड़ दो मर जाओगे, सही बात है कि नहीं है? ये बोलना भी सीखना पड़ा है, बोलना भी सीखना पड़ा है भाई, आज आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, सीखी ना, कुछ भी फ्री नहीं है। ये कपड़े जो आपने पहने हैं वो भी फ्री नहीं है, आप इस इवेंट में आए हो वो भी फ्री नहीं है, कामयाबी भी फ्री नहीं होगी। जितनी बड़ी कामयाबी चाहते हो, मर्सिडीज चाहते हो तो मर्सिडीज वाला प्राइस पे करना पड़ेगा, वैगनर चाहते हो तो वैगनर वाला पे करना पड़ेगा, शोरूम में जाओ किसी में क्या वो पूछेगा कितना पे कर सकते हो, उतने की गाड़ी मिलेगी। सेम वैसे हम आपसे आज पूछते हैं, आपने जो आज अपने ड्रीम्स लिखे उसका भी तो एक प्राइस होगा। yes, वो प्राइस है आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका काम, वो है आपका प्राइस। तैयार हो पे करने के लिए? yes! At the end, no matter how much we teach you, inspire you or motivate you, it all comes down to how badly you want it or need it. ये मैटर ही नहीं करता कि हम आपको जितना मर्जी सिखा दें, मोटिवेट कर दें, इंस्पायर कर दें, मैटर नहीं करता कि आपकी भूख कितनी है। अगर आपकी भूख है तो आप जरूर पहुंचेंगे, विदाउट एनी ट्रेनिंग पहुंचेंगे। ऐसे भी लीडर्स हैं हमारी टीम में जिनके वहां पे इवेंट नहीं होते, बहुत सारे लीडर्स वेस्टीज में जिनके अपलाइन वहां तक नहीं पहुंच पाते, मिल भी नहीं पाते, इंटरनेट नहीं चलता, फिर भी आज बहुत अच्छे मुकाम पे, क्यों? भूख है। ये मैटर ही नहीं करता, आप डायमंड बनना चाहते हैं, हाँ स्किल्स मिल गई हैं, इनको अप्लाई कीजिए, मेहनत करेंगे जिंदगी जरूर बदलेगी, 2024 आपका बनेगा। तो आज जो सीखा, रेडी है उसे अप्लाई करने के लिए? yes! सच में? yes! कराएंगे खूब सारी ज्वाइनिंग? yes! सेल्फ पीवी कितना करना है? 3,000 हो जाएगा ना? yes! हो जाएगा? yes! पक्का? yes!